योगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सबसे पहले गुना से संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, आज बजट पेश हो रहा है, आज प्रदेश के लिए बिल्कुल खास दिन भी है, जनता की कितनी उम्मीद है? मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। हम इस समय गुना में हैं, गुना के युवाओं की काफी उम्मीदें बजट को लेकर के हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे क्या उम्मीदें आपकी हैं, क्या नाम है आपका? जी राहुल गौर। राहुल, आपको क्या उम्मीदें हैं बजट को लेके सरकार से? जी बजट के लेके कई उम्मीदें हैं, जैसे कि आजकल के युवाओं को स्टार्टअप नहीं मिल पा रहा सही से, कि उनको एक अपने जैसे एजुकेशन पूरी करने का हमें क्या करना चाहिए, और अगर वो सोचते भी हैं तो कई योजनाएं तो काफी है, लेकिन योजनाओं में उनके पास बजट नहीं होता, पैसे नहीं होते। स्टार्टअप को लेके राहुल कह रहे हैं कि स्टार्टअप मिलना चाहिए, नए रोजगार सरकार को, नई स्कीम्स लेके आना चाहिए। आप हमारे साथ युवा हैं, क्या नाम है आपका? दीपक, क्या आपका मानना है क्या योजना मिलना चाहिए स्टूडेंटों के लिए? कॉलेजों में सुविधा मिलना चाहिए सही, और टाइम पर मतलब की जो कुछ। मैं आपको बता दूं, तरन्नुम जब यूक्रेन में गुना के दो छात्र फंसे हुए थे, उस टाइम यहाँ के छात्रों की एक ही डिमांड थी कि क्यों ना यहाँ का मेडिकल कॉलेज जो है जो बंद पड़ा हुआ है उसको सरकार अपने बजट में लाके चालू कराए। यहाँ पर कुछ युवतियां भी हमारे साथ हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे बजट को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या नाम है आपका? पूनम, क्या बजट को लेकर आपकी उम्मीद है? ठीक है, आप लोगों को नर्सिंग वगैरह के कॉलेज के लिए क्या यहाँ क्या सुविधाएं हैं गुना में? यहाँ पे नर्सिंग का तो ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए बच्चों को मेडिकल के बारे में। और भी गुना की बेटियां हमारे साथ में, इनसे हम जानना चाहेंगे आपका क्या नाम है? खुशी। खुशी, क्या मानना है आपका बजट को लेके, क्या सरकार को लेके आना चाहिए बजट? कॉलेज में चेंजेस होना चाहिए, कॉलेज में अभी नई शिक्षा नीति के हिसाब से बहुत चेंजेस हो रहे हैं, तो उस वजह से बच्चों का लॉस हो रहा है अभी। अच्छा, अभी जो कोविड आया था उस दौरान जो ऑनलाइन शिक्षा थी उसको लेकर सरकार कितनी प्रिपेयर थी, क्या तैयारियां थी सरकार की, आपको कहाँ लगा कि यहाँ ये और होना चाहिए था? नहीं, जो भी था उस वजह से ऑनलाइन एग्जाम देने की वजह से बच्चों का बहुत लॉस हुआ है, बच्चों ने पेपर दिए हैं उस हिसाब से नहीं होना चाहिए था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंकिता कृष्णा है। हाँ अंकिता, क्या आपको लगता है क्या सरकार को बजट को लेकर करना चाहिए? सरकार को यही है कि टाइम से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवानी चाहिए। ठीक है, हमारी स्कॉलरशिप नहीं आती तो उसकी वजह से हमें प्रॉपर एजुकेशन में प्रॉब्लम है, प्रॉपर एजुकेशन में प्रॉब्लम होती है। आपका क्या नाम है? अर्जुन योद्धा बोल रहा हूँ। हाँ। जैसे कि शिक्षा में जो कोरोना आया था ना, तब ठीक से वो पढ़ाई एजुकेशन मिल नहीं पाई है, तो पढ़ाई के ऊपर मैं जैसे कहना चाहता हूँ। जैसे अर्जुन, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से रहने वाले, कहाँ के हैं? मैं मऊगढ़ा का। मऊगढ़ा, आपके यहाँ खेती होती होगी, तो उसको लेके क्या चुनौतियाँ आपको लग रहा है कि बजट में क्या प्रावधान कृषि को लेके आना चाहिए? जैसे भरपूर मात्रा में वैसे होने गई कृषि, बारिश ज्यादा हो जाती है तो किसानों को वो पर्याप्त मात्रा में फसल मिल नहीं पा रही है। अच्छा।